हाय फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम लोग बेंडर कैमेडिट मेथड देखेंगे। अगर मैं इसको प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो उसके लिए कमेंट मत करना। तो चलिए, मैं इसको बीएसएम ही बोलता हूँ, उतने में आप समझ जाइएगा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। बाय यूजिंग बीएसएम सॉल्व डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर माइनस डो यू अपॉन डो टी इक्वल टू जीरो सब्जेक्टेड टू द कंडीशन। तीन कंडीशन दिए है। पहली कंडीशन यू 0, t इक्वल टू जीरो। सेकेंड कंडीशन यू 5, t इक्वल टू जीरो। थर्ड कंडीशन यू x, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लीकेशन में है 25 - x2। ठीक है, टेकिंग h इक्वल टू 1 अप टू 3 सेकेंड। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो बोली गई है, अप टू 3 सेकेंड। चलिए स्टार्ट करते सोल्यूशन पार्ट। तो सोल्यूशन पार्ट में ये बीएसएम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8 मार्क्स के लिए आता है। तो गलती से भी इसको छोड़ने की मत सोचना क्योंकि ये 8 मार्क्स के लिए आता है। बीएसएम आपको 8 मार्क्स के लिए आता है और क्रैंक निकोलसन मेथड भी 8 मार्क्स के लिए आता है। तो अगर आपने मेरा क्रैंक निकोलसन मेथड नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अभी हम लोग बीएसएम की देखते हैं सोल्यूशन पार्ट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये तीन कंडीशन दी है उसका मतलब क्या है। तो अगर मैं पहली कंडीशन लेता हूँ जो कि है यू 0, t इक्वल टू जीरो। सेकेंड कंडीशन दी है यू 5, t इक्वल टू जीरो। थर्ड कंडीशन दी है यू x, 0 इक्वल टू x2 और ब्रैकेट में है 25 - x2। या तक क्लियर है? मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, जब अगर आपने मेरा क्रैंक निकोलसन मेथड नहीं देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो हमारा ब्रैकेट है उसमें ये वाला जो प्लेस होता है वो हमारे एक्स की वैल्यू होती है और इक्वल्स टू के बाहर जो होता है वो हमारी टी की वैल्यू होती है। तो अभी ये ब्रैकेट है, यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो हमारी एक्स की वैल्यू है। तो एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड टी इक्वल्स टू के बाहर जो भी वैल्यू है वो टी की वैल्यू होगी। तो टी इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या बोला है, मैंने क्या कहा था, यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है वो एक्स की वैल्यू होती है। तो एक्स इक्वल्स टू 5 और इक्वल्स टू के बाहर जो भी वैल्यू होती है वो टी की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर इक्वल्स टू के बाहर 0 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब तीसरा कंडीशन, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो एक्स की वैल्यू होगी। देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू एक्स और इक्वल्स टू के बाहर जो भी वैल्यू होती है वो टी की वैल्यू होती है। देयरफॉर टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 25 - x2। या तक क्लियर है? ये आपके सारे कंडीशन हो गए। अब इस कंडीशन को आपको अप्लाई कहाँ पर करना है, देखिए क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दिया है जो कि है डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर माइनस डो यू अपॉन डो टी इक्वल टू जीरो। तो इसको इक्वल्स टू के बाहर भेज दो तो ये हो जाएगा डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर, माइनस नहीं आएगा, ये इक्वल्स टू आएगा और यहाँ पर आ जाएगा डो यू अपॉन डो टी। ठीक है ना, लेकिन ये जो बी एस एम है, बी एस एम बाय बी एस एम, ये मेथड हमको क्या कहता है, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए डो यू बाय डो टी। यहां से हमको मिलता है के, जो कि के का हमारा फॉर्मूला होता है के इक्वल्स टू ए बाय टू एच स्क्वायर। ठीक है ना, बीएसएम मेथड में हमें के इक्वल्स टू ए बाय टू एच स्क्वायर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब ए हमारा कितना आएगा, जो क्वेश्चन में दिया था वो ए हमें कितना आएगा, ए इक्वल्स टू 1। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट ए का 1 है। तो इस फॉर्मूले में ए की जगह पर 1 रख दो, के इक्वल्स टू 1/2 एच। क्वेश्चन में हमें एच दिया है, एच कितना दिया है, 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, ए बाय टू एच स्क्वायर। ए तो यहां से हमें मिलेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो ए हमारा 1 हो गया, तो 1/2। और एच कितना दिया है, 1, तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर पुट कर दो। तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, के इक्वल्स टू 0.5 है ना, 1/2 मतलब 0.5, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, के इक्वल टू 0.5 आ गया। अब देखिए इसका हमें क्या करना है, अब हमें एक टेबल बनाना है।
ध्यान से देखिएगा, टेबल टेबल हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये जो होता है ये x की वैल्यू होती है, ये t की वैल्यू होती है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कंडीशन यूज करना है हमको यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में से x कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, x वेरी हो रहा है 0 से, x स्टार्ट होगा 0 पे और एंड होगा 5 पे, लेकिन उससे पहले बीच में कितने कॉलम आएंगे वो हमको मालूम नहीं है। वो कैसे मालूम पड़ेगा, देखिए ये जो x होता है ये इंक्रीमेंट होता है h के साथ, और ये जो t होता है ये इंक्रीमेंट होता है k के साथ। तो ठीक है ना, h की वैल्यू कितनी है यहाँ पर मैं कॉर्नर पे लिख देता हूँ, h की वैल्यू क्वेश्चन में हमको 1 दी है और k की वैल्यू हमने सॉल्व की है जो कि 0.5, 0.5। तो हमें सबसे पहले 0 रखना है, वो कहाँ से मालूम पड़ा, यहाँ से x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू 5 तक जाना चाहिए। तो पहले वैल्यू आ गई 0, इसमें हमें h का इंक्रीमेंट करना है, मतलब 0 प्लस 1 दैट इज 1। फिर इसमें हमें, तो ये हमारा पहला कॉलम हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये आपका पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर 1 आ गया, इसके बाद इसमें आपको वापस h का इंक्रीमेंट करना है, मतलब 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर 2 आ गया, अभी वापस इसमें h का इंक्रीमेंट करना, 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। इसमें वापस 1 का इंक्रीमेंट करेंगे जो कि h का इंक्रीमेंट करना है, 3 प्लस 1 4, ये हो गया आपका 4, और 4 प्लस 1 5। तो 5 आते ही आपको रुक जाना है। क्यों रुकना है, क्योंकि हमें बोला ही गया है x हमारा 0 से स्टार्ट होना चाहिए और खत्म होना चाहिए 5 पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आप आते हैं t के पास, देखो फर्स्ट कंडीशन में ही हमें बोला है कि t हमारा स्टार्ट होगा 0 से, t स्टार्ट होगा 0 से, लेकिन t खत्म कहाँ पर होगा वो चीज यहाँ पर दी गई है, अप टू 3 सेकेंड, टाइम आपका 3 सेकेंड तक जाना चाहिए, लेकिन इंक्रीमेंट आप के साथ ही कर सकते हो। ठीक है ना, के साथ ही आपका इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए, 0 में के कब प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 0.5, क्योंकि के हमारा 0.5 है, ये हो गया। आपको जाना है 3 सेकेंड तक, अभी 0.5 में और एक बार 0.5 प्लस करेंगे तो 1 आएगा, इस 1 में एक और बार 0.5 प्लस करेंगे तो 1.5 आएगा। मैंने कहा ना आपको कि आपको क्या करना है, k का इंक्रीमेंट करना है, k का इंक्रीमेंट करते जाना है, इसमें k प्लस कर दो, वापस लिख दो, अभी 1.5 में 0.5 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2.2 में 1.5, 2 में 0.5 प्लस करेंगे तो 2.5 आएगा, 2.5 में 0.5 प्लस करेंगे तो 3 आएगा। 3 पे हमें रुक जाना है क्योंकि बोला गया है हमें अप टू 3 सेकेंड। तो टाइम जो है हमारा टी वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए और जाएगा 3 सेकेंड तक। ठीक है ना, तो अब मैं इसको थोड़ा सा बना लेता हूँ अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एक्स और टी हमने कैसे भरा। एक्स हमने भरा, एक्स स्टार्ट होगा 0 से लेकिन एंड होगा 5 पे, एंड होगा 5 पे वो तो हमें मालूम है, लेकिन 0 के बाद इंक्रीमेंट होगा एच के साथ, तो एच है 1, तो इसमें 0 में 1 प्लस करो यहाँ पर रखो, 0 प्लस 1 1, तो यहाँ पर रख दिया 1, इसमें 1 प्लस करो 1 प्लस 1 2, तो 2 यहाँ पर रख दो, इसमें प्लस 1 करो 1 को तो 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पर रख दो, 3 के साथ 1 प्लस करो तो 4 यहाँ पर रख दो, 4 के साथ प्लस करो 1 तो यहाँ पर रख दो 5, तो 5 पे स्टॉप होना है क्योंकि हमारा 5 तक जा रहा है, और टी जो है स्टार्ट हो रहा है 0 से, वो यहाँ पर दिया गया है, तो टी 0 पे स्टार्ट होगा लेकिन एंड कहाँ पर होगा वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, अप टू 3 सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है। तो सिर्फ आपको इसमें के का इंक्रीमेंट करते जाना है, के आपका कितना है 0.5, के का इंक्रीमेंट कर दो, उसमें 0.5 प्लस करो, फिर 0.5 इसमें प्लस करो, फिर 0.5 इसमें प्लस करो, फिर ऐसे करते करते आपको 3 सेकेंड तक जाके स्टॉप होना है। तो आपका ये टेबल इतना होना चाहिए। आप देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। देखो
आप क्या बोला है, व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो टी इक्वल्स टू जीरो, जब भी आप फर्स्ट कंडीशन अब हम यूज करेंगे, व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो टी इक्वल्स टू जीरो, जब भी आपका एक्स जीरो आएगा तब आपका टी जीरो आएगा, व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो टी इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू जीरो टी इक्वल्स टू जीरो, तो सब में जीरो 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 होते जाएगा, क्योंकि वही चीज हमें यहाँ पर बोली है, व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो टी इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो टी की सारी वैल्यू जीरो आएगी। ये हो गया पहली कंडीशन का यूज। व्हेन एक्स इक्वल्स टू फाइव टी इक्वल्स टू जीरो, सेकंड कंडीशन क्या कहता है, जब आपका एक्स है फाइव तब आपका टाइम जीरो हो जाएगा, तो टी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा जब आपका एक्स है फाइव, तो सारे जीरो इसमें भी रख दो, ठीक है, यहां तक क्लियर है, सारे ये भी जीरो हो जाएंगे। क्यों जीरो होंगे, देखो यहाँ पर क्लियरली बोला गया है, जब आपका एक्स होगा फाइव, व्हेन एक्स इक्वल्स टू फाइव टी इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू फाइव सारे टी आपके हो जाएंगे जीरो, यहां तक क्लियर है। वैसे यहाँ पर क्या बोला था, व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो सारे टी हो जाएंगे जीरो, वो यहाँ पर हमने किया, यहां तक क्लियर है, यहां तक नो डाउट। अब हमने फर्स्ट कंडीशन को यूज कर लिया, सेकंड कंडीशन को यूज कर लिया, अभी थर्ड कंडीशन पे आते हैं। थर्ड कंडीशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थर्ड कंडीशन क्या बोला है, व्हेन एक्स इक्वल्स टू एक्स टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज हमें थर्ड कंडीशन में दिया है। तो थर्ड कंडीशन क्या कहता है, जब आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तब आपकी t की वैल्यू चेंज हो गई। अब देखो ये हमारी x की वैल्यू है, व्हेन x इक्वल्स टू वन t इक्वल्स टू x की जगह पर वन पुट करना है, वन स्क्वायर 25 माइनस वन स्क्वायर, तो ये सवाल हम लोग बाद में करते हैं। जब हम x की जगह पर टू पुट करेंगे, व्हेन x इक्वल्स टू टू t इक्वल्स टू टू स्क्वायर 25 माइनस टू स्क्वायर, है ना, इस इक्वेशन में एक्स की जगह पर वही वैल्यू पुट करनी है जो आप यहाँ पर करेंगे। अब हम लोग एक्स की जगह पर थ्री रखेंगे, वन एक्स इक्वल्स टू थ्री टी इक्वल्स टू थ्री स्क्वायर 25 माइनस थ्री स्क्वायर इक्वल्स टू, बाद में सॉल्व करते हैं, वन एक्स इक्वल्स टू फोर टी इक्वल्स टू फोर स्क्वायर 25 माइनस फोर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू आएगा वन स्क्वायर 25 माइनस वन स्क्वायर तो वन ही होगा, इक्वल्स टू 24, तो यहाँ पर आएगा टू स्क्वायर 25 माइनस वन स्क्वायर तो हो गया, अभी टू स्क्वायर दैट्स इक्वल्स टू 84, अभी आएगा थ्री स्क्वायर 25 माइनस थ्री स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 144, फोर स्क्वायर और मल्टीप्लीकेशन में तो ये भी आएगा 144, ठीक है। यहां तक आपके डाउट क्लियर होने चाहिए सारे। अब ये सब भर दो, क्या किया था, व्हेन एक्स इक्वल्स टू वन टी इक्वल्स टू 24, व्हेन एक्स इक्वल्स टू वन टी इक्वल्स टू 24, व्हेन एक्स इक्वल्स टू टू टी इक्वल्स टू 84, व्हेन एक्स इक्वल्स टू थ्री टी इक्वल्स टू 144, व्हेन एक्स इक्वल्स टू फोर टी इक्वल्स टू 144, यहां तक भर दिए। अब आते हैं बीच के भरने, अभी हमें सारे बीच के भरने हैं। अब कैसे भरने, देखो मैं अभी सारे आपको भर के नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको एक दो भर के दिखाऊंगा, वैसे ही आप सारे भर देना, सिंपल है कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल है कॉन्सेप्ट, समझ गए तो पूरा गेम इधर ही है। देखो इसका हम लोग नाम देते हैं, मतलब देखो अगर ये बॉक्स आपको सॉल्व करना है, मैंने जहां पर उंगली रखी है, देखो अगर ये बॉक्स आपको सॉल्व करना है, इसका नाम मैं अगर ए दे दूं, अगर आपको ए सॉल्व करना है तो फिर यहां पर अगर मैं नाम इसका सी दे दूं और इसका नाम दे दूं बी, अगर आपको ए को सॉल्व करना है तो ए इक्वल्स टू होगा सी प्लस बी बाय टू, समझे आपको फॉर्मूला क्या है, जो बॉक्स आपको सॉल्व करना है उस वो बॉक्स का आंसर क्या होगा, उसके डायगोनल बॉक्स को प्लस करके डिवाइड बाय टू करना है। मतलब देखिए मैं अभी आपको यहाँ पर बताता हूँ, अभी मुझे ये बॉक्स सॉल्व करना है तो मुझे जीरो प्लस, मैं डायरेक्ट आपको कैल्सियम सब समझा देता हूँ,
अगर मुझे, मैंने कहाँ पर उंगली रखी है वो देखिए, मैंने यहाँ पर उंगली रखी है, तो अगर मुझे ये बॉक्स सॉल्व करना है तो मुझे इसके डायगोनल को प्लस करके उसको डिवाइड बाय 2 करना है, मतलब 0 प्लस 84, 0 प्लस 84 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 42, यहाँ पर आएगा 42। अब मुझे ये बॉक्स सॉल्व करना है, ये बॉक्स सॉल्व करने के लिए देखिए मैंने उंगली कहाँ पर रखी है, तो फिर इसके डायगोनल प्लस होंगे, मतलब 24 प्लस 144 अपॉन 2 करना है, ये आएगा 84, 84। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उंगली रखता हूँ मैं, तो अब क्या करना है, ये बॉक्स सॉल्व करना है, तो इसके डायगोनल को प्लस करना है, तो डायगोनल में क्या है, 84 प्लस 144 डिवाइड बाय 2, दैट्स इक्वल्स टू 114, 114। अब मुझे ये बॉक्स सॉल्व करना है, तो फिर इसके डायगोनल को प्लस कर दो, क्या क्या है, 144 प्लस 0 अपॉन 2, ये आएगा 72। ठीक है, 72। अगर आपको ए सॉल्व करना है तो सी और बी को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है ना, डिवाइड बाय 2 क्यों, क्योंकि हम लोग इसका एवरेज निकालते हैं इसलिए, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको ए सॉल्व करना है तो 1/2 करना है और सी प्लस बी करना है, एक ही बात है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बॉक्स सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर मैं सारे वैल्यूज यहाँ पर डायरेक्टली रख दूंगा, आप वो समझ जाना, ठीक है। अब हम मैं यहाँ पर उंगली रख रहा हूँ, अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो मुझे इसके डायगोनल को प्लस करने पड़ेंगे, तो क्या क्या आ रहा है, 0 प्लस 84, 0 प्लस 84 डिवाइड बाय 2, दैट्स इक्वल्स टू 42, तो ये आएगा 42। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है, अगर मुझे अभी ये उंगली रखा हो तो इसका डायगोनल को प्लस करना है, डायगोनल में क्या क्या है, 42 प्लस 114 अपॉन 2, ये आएगा 78, 78। अगर मुझे अभी ये बॉक्स सॉल्व करना है तो इसका डायगोनल को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है, 84 प्लस 72 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 78। अब मुझे ये बॉक्स सॉल्व करना है तो इसका डायगोनल को प्लस करना है, 114 प्लस 0 अपॉन 2, ये आएगा 1140 अपॉन 2, ये आएगा 57, 57। ठीक है, अभी आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया आपको कैसे सॉल्व करना है, अब मैं डायरेक्टली ये सारे बॉक्स भर देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना। तो देखिए यहाँ पर हमारे सारे बॉक्स फिल हो गए, तो बस ध्यान से कैलकुलेट कर लेना आप, बाकी वैल्यूज मैंने आपको दो रो यहाँ पर भर के दिखाए कैसे भरना है, तो खाली फोकट अगर मैं सारे रो आपको इस वीडियो में भर के दिखाऊंगा तो टाइम वेस्ट ही होने वाला है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको करना क्या है। अगर आपको किसी बॉक्स को भरना है तो उसके डायगोनल को प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 करके उसकी वैल्यू यहाँ पर रखना है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट इसका, बीएसएम का, ब्लेंडर स्कीमेटिक मेथड। तो आशा करता हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए,